जय श्री कृष्ण मित्र। शिव शक्ति ज्योतिष अनुसंधान परिवार में आप सभी महानुभावों का ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में स्वागत है। आज ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान का अध्ययन कराएंगे, जिसमें दिन मान निकालना, सूर्योदय, सूर्यास्त और भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, स्थानिक समय और लोकल समय कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि भारतीय स्टैंडर्ड टाइम अगर हमको बनाना है, ये ग्रीनविच मध्यम टाइम जो है, इसे निकालने के लिए ये ग्रीनविच ये जो रेखाएं आई हैं, ये हमारी देशांतर रेखा है, 360 यानी एक एक डिग्री के हम 360 रेखाएं होती हैं। ये पूरी पृथ्वी को बांटी जाती है। ये जो चाप के द्वारा दिखाई गई है, ये हमारी देशांतर रेखा है। और इधर ये पश्चिम से जो पूरब को रेखाएं जा रही हैं, इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये भी पैरेलल जाती है आपस में। ये हमारी पृथ्वी को इससे बांटा जाता है। इसके द्वारा हम किस स्थान पर बैठे हैं, किस भूभाग में बैठे हैं, तो इसी के द्वारा हम अपनी गणना कर सकते हैं। तो इसी से इसकी गणना की जाती है। तो जैसे हमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, IST भारतीय स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो इसमें क्या करना है, जो ग्रीनविच मध्यम समय है उसमें हम 5.5 घंटे जोड़ दें तो हमारा भारतीय स्टैंडर्ड टाइम निकल आएगा। इसी प्रकार जो हमारा स्थानीय मध्यम समय है उसको निकालने के लिए भारतीय जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें देशांतर, हर पंचांगों में देशांतर समय दिया गया हुआ है, तो वहाँ से हम देशांतर ले लेते हैं। और देशांतर निकालने की प्रक्रिया भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि देशांतर निकाला कैसे जाता है। लोकल समय निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मध्यम समय आएगा, स्थानीय मध्यम समय आएगा, उसमें जो हमारा बेलांतर है उसे हम जोड़ देते हैं, प्लस माइनस जो भी निकलता है उसे हम जोड़ देते हैं। ये बेलांतर आता कहाँ है, ये भी हम आपको आगे समझाते हैं बेलांतर के बारे में, संक्रांत वगैरह के बारे में। अब उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि ये निकाला IST LMT LT निकाले कैसे जाते हैं। माना किसी बच्चे के जन्म आज के ही दिन हमें लेते हैं कि आज 19 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे मेरठ में उस बच्चे का जन्म हुआ, तो मेरठ का जो अक्षांश है ये है 29 डिग्री 1 मिनट, रेखांश यहाँ का है 77 डिग्री 45 मिनट, बेलांतर संस्कार यहाँ का 6 मिनट आज का है। ये पंचांग से आप लोग देख सकते हैं या सारणी में सब दे रखी है, सब में वहाँ से निकाल सकते हैं। सूर्य कृत्यांश आज है, आज की डेट में 1 डिग्री 46 मिनट का, और चर मिनट हमारा आएगा 3 मिनट का। अब हमें निकालना है, जैसे IST इस बच्चे की, तो IST के लिए भारतीय स्टैंडर्ड टाइम तो यह हमें दिया हुआ है, इससे हमें LMT बनानी है। तो IST टाइम हमारा है 11 बजे, ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का टाइम दिया हुआ है, इसे हमें LMT में परिवर्तित करना है। LMT लोग इसे बोलते हैं स्थानीय मध्यम समय बनाने के लिए
11 बजे और प्लस माइनस जो भी हमारा आता है देशांतर, देशांतर प्लस माइनस देशांतर संस्कार, देशांतर। अब देशांतर निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। देशांतर के लिए कि हमारा जो भारतीय स्टैंडर्ड जो रेखांश है वो है 82:30 का माइनस, उसमें से रेखांश घटा दीजिए 77:45 आपका 45 और 84:4 आएंगे गुणे 4, एक अंश बराबर 4 मिनट होते हैं, इसे आप गुणा कर लीजिए 45 चौका 90 गुणे 180 सेकेंड होगा ये डैश, तो 4 चौक 16 ये मिनट होगा, 180 सेकंड के 3 मिनट 16 मिनट ये बराबर हो गया 19 मिनट, ये आ गया 19 मिनट, ये हमारा देशांतर आ गया हमारे यहाँ मिनट का। हमें परिवर्तित कैसे करना है ये जरूरी है कि जो हमारे देश का भारत का जो है स्टैंडर्ड है वो 82:30 है, उसमें से जहाँ भी स्थानीय आपका टाइम है रेखांश है उसमें से उसको घटा दीजिए, जो आवे उसको 4 से गुणा कर दीजिए, तो उसे आपका मिनट में देशांतर संस्कार आ जाएगा। और लोकल स्थानीय समय बनाने के लिए जो 11 बजे का टाइम था उसमें से हम ये समय घटा देते हैं, तो एल एल टी बराबर हो गया 11 बजे माइनस 19 मिनट, ये घंटा है 11, ये घंटे में है ये माइनट में, तो जब 19 मिनट हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10:10:41 ये आपका आ गया स्थानिक मध्यम समय। अब हमें मनाना है इसको LT लोकल टाइम, LT मनाने के लोकल समय यानी स्थानीय समय मनाने के, जैसे हमें मेरठ का है तो मेरठ का स्थानीय समय बनाना है इसको, तो हमारा मध्यम समय आ गया, तो इसी में बेलांतर संस्कार जोड़ दीजिए 10:41 बेलांतर हमने दिया था 6 मिनट का प्लस 6 मिनट बेलांतर संस्कार बराबर ये हो गया 10:47 ये आपका LT आ गया स्थानीय समय, क्योंकि कुंडली बनाते समय जब तक हमारे पास ये लोकल समय नहीं होगा, क्योंकि पंचांग हर जगह के अपने अपने बने हुए होते हैं, हर जगह की अपनी स्थिति होती है, उसे अपने समय में परिवर्तन अपने जगह को बना करके तब अभी हम कुंडली के आगे गणना कर सकते हैं, तो इसलिए लोकल समय बनाना बहुत अनिवार्य होता है। ये बच्चे का लोकल समय आ गया, क्योंकि आगे चल कर के इष्टकाल निकालने वगैरह में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, तो बिना इसके हमारा आगे कार्य नहीं हो सकता, इसलिए लोकल समय बनाना स्थानीय समय परिवर्तित कैसे किया जाता है इसका ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है, तो हमने लोकल समय निकाल दिया। अब हमें इस बच्चे का निकालना है दिनमान। अब हम आगे आपको बताते हैं कि दिनमान और सूर्योदय और सूर्यास्त कैसे निकालते हैं, रात्रिमान वगैरह
कैसे निकालते हैं। और इसी बच्चे का उदाहरण हमारे पास है, तो सूर्य कृत्यांश हमारे पास हो गया, उसके द्वारा हमने ये 4 मिनट भी निकाल लिया। फिर अगली क्लास में हम आपको बता भी देंगे सारणी के द्वारा कैसे निकाला जाता है, तो वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो अभी आप इसका उदाहरण देखें, दिनमान हम कैसे निकालें। तो दिनमान का दिनमान का सूत्र है 2 गुणे दिनार्ध, 2 गुणे दिनार्ध, 2 गुणे दिनार्ध। अच्छा, हमें दिनमान निकालना है और दिनमान निकालने का सूत्र होता है दिनमान बराबर है 2 गुणे दिनार्ध, और दिनार्ध का है कि 6 घंटे में जो 4 मिनट आते हैं, हमारी दक्षिण क्रांति है उत्तर क्रांति है, उसको हमें हम जोड़ देते हैं। तो दक्षिण क्रांति उत्तर क्रांति हम कैसे समझेंगे, इसको आपको समझा देंगे कि जब सूर्य उत्तरायण में होता है, मकर से मकर रेखा से जो कर्क तक आते हैं, किसी बच्चे का जन्म अगर ये मकर के हमारी संक्रांति आती है जो 22 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पोस्ट कर दिया उसी लाइन को, अब ये 4 मिनट आया है दक्षिण क्रांति दिखाया है, तो हमें देखना है दक्षिण क्रांति आई कैसे। तो ये कर्क रेखा मकर रेखा ये हमने सूर्य दिखा दिए कि हमारे सूर्य की जो दिशा है ये पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसा सूर्य हमारा ये चलता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक जब ये सूर्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो सूर्य क्रांति हमारे यहाँ प्लस में, फिर 23 सितंबर से लेकर के किसी बच्चे का जन्म 21 मार्च तक होगा तो ये दक्षिण क्रांति होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा ये बच्चा हुआ है ये सितंबर में, आज है 19, तो यहाँ देखने की चीज़ है कि यहाँ 23 सितंबर उससे 2 दिन पहले ही बच्चा भी 19 तक का हो गया है, तभी ये दक्षिण नहीं आएगी, ये उत्तर ही रहेगी, तो यहाँ हमें उत्तर क्रांति दिखानी पड़ेगी। अभी यहाँ ये उत्तर क्रांति है। अब दिनार्ध को निकालने के लिए 6 घंटे प्लस हमारी क्रांति ये जो 4 मिनट आया था 3 मिनट का, 3 मिनट हमने जोड़ दिया, 1 घंटा है, 6 घंटा और 3 मिनट इसमें हमने जोड़ दिए, तो ये हो गया 6 घंटे 3 मिनट। ये जो समय आया है दिनार्ध का 6 घंटा 3 मिनट, इसको हम सूर्यास्त बोलते हैं, ये समय होता है सूर्यास्त, ये सूर्यास्त समय। अब सूर्यास्त जब हमारा निकल ही आया तो हम इसी से अपना सूर्योदय निकाल सकते हैं। तो सूर्योदय बराबर हो गया 12 माइनस सूर्यास्त, तो 12 माइनस सूर्यास्त है 6:03, 6:03। ये आ गया हमारा 12 में 3 निकल जाएगा तो 57 मिनट, 11 में से 6 गया 5, ये आ गया हमारा सूर्य।
ये हो गया सूर्य हो गया बाकी सूर्योदय सूर्यास्त आ गया। अब रह गया दिन मान दिन मान बताया था दो गुणे दिनार दो गुणे दिनार हमारा आ गया था जिसे हम सूर्यास्त भी बोलते हैं 6:03 6:03 को 2 से गुणा कर दिया तो 3×6 और 6×12 ये आ गया घंटा मिनट ये मिनट ये है घंटा ये है दिनमान दिनमान ये दिनमान क्या घंटे मिनट में। अब इसको घटी पल बनाना है घटी पल बनाने के लिए 12×6 डिवाइड इसे गुणा कर दें 2.5 से ढाई से गुणा कर देंगे तो 6 × 2.5 हो गया 15 12×2.5 हो गया 30 यानी 30×12 हो गया 30 × 15 30×15 ये हो गया दिनमान। जब हमारे पास दिनमान आ गया तो हम रात्रिमान निकाल सकते हैं तो रात्रिमान बराबर हो जाएगा 60 अहोरात्र हमारा होता 60 का माइनस इसमें से दिनमान घटा दें दिनमान हमने इसमें से घटा दिया तो 60 − दिनमान 30×15 15 हमने इसमें से माइनस कर दिया तो ये बच्चा 60 में से 15 गए 45 59 में से 30 गए 29 तो ये 29 29 45 पर ये हो गया रात्रिमान। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम के LT भी आ गया था LT हमने निकाल दिया हमको दिनमान निकल प्राप्त हो गया हमारे पास रात्रिमान प्राप्त हो गया दिनमान घटी पर हमारा पास दिनमान निकल गया रात्रि मान निकल गया हमारे पास उस दिन का सूर्योदय ये निकल गया हमारे पास और सूर्यास्त टाइम ये रहे। अब ये गणना जो हमारी है ये सारी चीज़ हमारे जो हम गणना करेंगे इष्टकाल निकालने में क्योंकि अगली क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि इष्टकाल भयाद भभोग कैसे निकालते हैं। तो इष्टकाल भयाद भभोग के लिए अनिवार्य है कि जब तक हमें ये निकालना नहीं है हमें बेसिक निकालना नहीं आएगा तब तक हमारी कुंडलियों में त्रुटियां आ जाएंगी। तो जो प्रारंभिक है तो इसे निकालना बहुत अनिवार्य है तो प्रारंभिक ये ज्ञान होना अनिवार्य है कि पंचांग हम परिवर्तन कैसे करें लोकल समय उसको कैसे बनाएं और लोकल बना करके उसमें अक्षांश रेखांश मिलांतर संस्कार करके पहले स्थानिक बना लीजिए फिर उसके बाद की प्रक्रिया है इष्टकाल भयाद भोग निकालना। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो YouTube पे से आप लोग सब्सक्राइब करें जिससे आगे सब्सक्राइब लाइक करिएगा और जैसे आगे की जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद सबका।